नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। इस पैटर्न को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल यूनिक और एकदम नया लेटेस्ट पैटर्न है। इसे आप जेंट्स स्वेटर पर या बेबी ड्रेसेस पर या फिर कार्डिगन्स वगैरह किसी पर भी डाल सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगता है गाइस। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो गाइस, और अगर हो सके तो प्लीज़ 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 इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस लेटेस्ट और यूनिक पैटर्न को सीख लेते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर मैंने सिलाई में 22 फंदे डाल लिए हैं और मैं एक उल्टा फंदा बनाऊंगी, दो उल्टा फंदा, और थ्रेड को देखिए मैंने आगे ही रखा है और इसके बाद में सिलाई में फंदे थोड़े से आप ढीले ही लीजिएगा। तीन फंदों को ले लूँगी और ये देखिए तीन फंदे मैंने ले लिए हैं और इन्हें मैं थ्रेड आगे से ही करते हुए बुन लूँगी। सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा इसे सही से बताऊँगी क्योंकि थोड़ा सा साइड में चला गया है। और ये देखिए मैंने थ्रेड को आगे कर लिया और इसे मैंने सिलाई पर घुमा लिया इस तरीके से, जैसे कि आप जाली डालते हो, लूप बना लीजिए और उसके बाद में फिर से आप दो फंदे उल्टे बना लीजिए। थ्रेड को आगे ही रखते हुए तीन फंदे सिलाई में भर लीजिए और बना लीजिए। देखिए एक इधर जब थ्रेड को आगे करके जब पीछे को फंदा बनाते हैं तो एक इधर साइड में बन जाता है और जब वो लूप बनाते हैं तब हमारा दूसरा फंदा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे फिर से तीन फंदे तैयार हो जाते हैं। देखिए थ्रेड को मैंने आगे ही रखा है और तीन फंदे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तीन फंदे मैंने एक ही बार में निकाल लिए हैं। अब थ्रेड को आगे करके मैंने सिलाई पर घुमा दिया है एक बार, एक दो, तीन फंदों को आगे को थ्रेड किए हुए ही मैंने भर लिया है। ये देखिए इस तरीके से, और थ्रेड को अब आगे करेंगे। सॉरी, इसको सिलाई पर एक बार घुमाना मैं भूल गई थी, सिलाई पर घुमा लीजिए और एक दो उल्टे फंदे बना लिए। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट रो। अब हम आ गए हैं अपने रॉन्ग रो की साइड में। एक फंदे को मैंने स्किप कर लिया। जो हमारे फंदे मैंने उधर से उल्टे बनाए थे वो इस तरफ से हमें सीधे बनाने हैं। और ये देखिए मैंने ये दो फंदे इधर के छोड़ के ये हमें पहले तीसरा, सॉरी, थ्रेड को आगे कर लेंगे और ये तीसरा जो हमारे दो फंदे छोड़ने के बाद में ये जो हमारा फंदा है इस फंदे को हम पहले बनाएंगे। ये देखिए अब इसके बाद में ये एक फंदा और ये दूसरा फंदा और इसको अब हम गिरा देंगे। थ्रेड को पीछे किया, एक दो, दो फंदे हमने सीधे बनाए और देखिए ये दो फंदे छोड़ने के बाद में दूसरा जाली वाला यानी यहाँ से तीसरा फंदा जो हमारा है थ्रेड को आगे करके तीसरा जाली वाला जो फंदा है दो फंदे छोड़ने के बाद में तीसरा जाली वाला फंदा हम ये इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद में ये जो पहले के दोनों फंदे हैं ये बना लेंगे।
और इसको गिरा दिया। थ्रेड को पीछे करके दो फंदे हमने, जो हमारे उल्टे हमने पिछली रो में बनाए थे, वो इस रो में हमें सीधे बनाने हैं। अब ये देखिए, थ्रेड को आगे करके मैंने ये दो फंदों के बाद वाला फंदा पहले बना लिया है, और इसके बाद में एक दो और उस फंदे को भी गिरा दिया। थ्रेड को पीछे किया, दो फंदे हमने सीधे बनाए। थ्रेड को आगे किया और दो फंदे छोड़ने के बाद ये जो हमारा जाली वाला अगर देखें तो दूसरा फंदा, और वैसे तीसरा फंदा हमें बनाना है। वन टू और थ्रेड को हमने पीछे कर लिया। और दो फंदे हमने सीधे बनाए। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी डिजाइन नज़र आने लगी है, पैटर्न हमारा हल्का हल्का सा। और दो फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। थ्रेड को पीछे कर दिया और उसके बाद में सॉरी थ्रेड को आगे ही रखते हुए हमें बनाने हैं। याद रखिएगा कि हमने तीन फंदों का जब एक फंदा बनाया है तो हमें तीन फंदे भी बनाने हैं। थ्रेड को आगे करके इसे सिलाई पर इस तरीके से घुमा दीजिए, दो फंदे उल्टे बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब थ्रेड को आगे रखते हुए ही हमें आगे भी तीन फंदे बना लीजिए। तीन फंदे एक साथ बनेंगे हमारे। थ्रेड को आगे करके हमने सिलाई पर एक बार घुमा लिया, दो फंदे हमने उल्टे बना लिए। थ्रेड को आगे रखे हुए ही हमने फिर से नेक्स्ट तीन फंदे ले लिए। इसी तरीके से हमें इस रो को अपनी कंप्लीट करना है। थ्रेड को आगे किए हुए ही हमें मैंने इसे घुमा लिया है उस पर, और एक और ये दो उल्टे फंदे बना लिए हैं। इसके बाद में मैंने देखिए थ्रेड को आगे ही रखा है। गाइज, आप लोगों से फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए वोमेन से जुड़ी हुई ऐसी ही क्रिएटिविटी लेकर, न्यू क्रिएटिविटी लेकर आती रहती हूँ। और ये जो पैटर्न है आपको पता ही है, एकदम यूनिक पैटर्न मैं लाई हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल सा भी है। सो देखिए, दो फंदे छोड़ने के बाद में ये तीसरा फंदा हमने बनाया है, थर्ड फंदा। उसके बाद में ये दो फंदे जो पहले के एक और ये दो, अब इसको गिरा देंगे हम। थ्रेड को पीछे करेंगे, वन टू, जो हमने सीधे फंदे बनाए हैं वो उल्टे और उल्टे सीधे बनेंगे। और इसके बाद में थ्रेड को आगे करके रॉन्ग रो बहुत इजी है, और थोड़ा सा ही मतलब पहले की रो में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी पूरा बहुत इजी पैटर्न है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।
एंड टेक केयर।